सो नैक्सट हैगा कि जिहड़ी साडी फार्माकोग्नोसी डिवेलप हुई आ, फार्माकोग्नोसी पहला की सीगा, जिदां ट्रेडिशनस दे विच की सीगा कि मतलब कोई भी नॉलेज नहीं सीगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं सीगी आम जनता नूं, आम लोकां नूं कि हर एक चीज़ दी, है ना। उदों की हुंदा सीगा कि कुछ एक जिदा जिदा प्लांट्स की डिवेलपमेंट हुंदी सीगी, कुछ जिहड़े सीगे साइंटिस्ट कह लो, जां साइंटिस्ट तों पहलां जिदा आपां आयुर्वेदिक सिस्टम लैके चलीए तां उदों ऋषि मुनि जिहड़े सीगे उह दसदे सीगे नवीआं नवीआं मैडिसन्स, है ना, प्लांट दा यूज़ करके। सो मतलब वो सारिया चीज़ों नू कोरिलेट करके या इकट्ठा करके कंबाइन फॉर्म करके फिर असी फार्माकोग्नोसी की डिवेलपमेंट की है। सो फार्माकोग्नोसी जिहड़ी हैगी आ बहुत सारे सिस्टम दे नाल रिलेटिड है, जिदा आयुर्वैदिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम, चाइनीज सिस्टम, सिद्धा सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम, ये सारे जिहड़े सिस्टम हैगे आ ये आपां फार्माकोग्नोसी के अंदर यूज़ करते हैं। इन्हां सारा नू कंबाइन फॉर्म दे विच यूज़ करके फिर आपां इस सबजैक्ट की डिवेलपमेंट की है, या फार्माकोपियाज वगैरह जिहड़े बने आ वो सारी इन्हां दी कंपाइल फॉर्मेशन दे विच ही बने आ। सो पहला की हुंदा सीगा, पहला आपां दे कोल कोई रिटन नोट्स नहीं हुंदे सीगे, या ड्रग्स दे बारे सानूं नहीं पता हुंदा सीगा, है ना। सिर्फ एक जो सीगे एक्सपैरीमेंट करदे सीगे ऋषि मुनि, या फिर आपां कुछ भी जिहड़े आम लोग सीगे वो किसी प्लांट का उन्होंने खाण तो बाद कोई इफेक्ट नज़र आता सी, या कि वो लगा लेप वगैरह बहुत लाते पुराने टाइम के यूज़ करते सी, तो वो कोई इफेक्ट पैंता सी, तो वो थोड़ा जहा इदा ही मतलब कि अगे तो अगे जो ट्रीटमेंट सीगा या लोगों को दसते रहते कि ये फर्क पैंदा, आ फर्क पैंदा, इदा करके वो थोड़ी बहुत नॉलेज जी हुंदी सी। पर फार्माकोग्नोसी जी है एक कंप्लीट नॉलेज आ, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ और ये फार्माकोपिया के बने हुए, पहला फार्माकोपिया वगैरह नहीं हुंदा सी। सो हुण ऑल्टरनेट मेडिसन जिहड़ियां हैगियां कीड़ियां हैगियां, फस्ट इज़ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सानू सारे नू पता कि ट्रेडिशनल मेडिसन आ, ट्रेडिशनल मैथड हैगा आ आयुर्वेदा, काफ़ी एंशियंट टाइम तो चलिया आंदा हैगा, और साडे लई जिहड़े वेद ग्रंथ वगैरह हैगे उहदे विच सानू मेडिसन्स दे बारे कुछ नॉलेज मिल जाती है। सो आयुर्वेदा जिहड़ा हैगा वो दो कंपोनेंट्स तो बनया हुआ, वन इज़ आयुष एंड अदर इज वेदा। सो आयुर्वेदा सिस्टम की है, आयुर्वेदा इज़ कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट्स, आयुष एंड वेदा। आयुष मीन्स हुंदा लाइफ, वेदा मीन्स हुंदा साइंस, सो इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। सो ओरिजन कित्थे होया सीगा, पुराने टाइम तो काफ़ी जिहड़ा प्रीवियस लोग 500 साल पहला होया सीगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जिहड़ा सीगा उदों की सोचते सीगे कि ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ दिस सिस्टम, कि मतलब जिहड़ा गॉड हैगा, गॉड गिफ्ट है, सारिया चीज़ा गॉड ने बनाई है जिहदे सानूं कोई ना कोई इफेक्ट है। इस बेसिस से आपां आयुर्वेदिक सिस्टम नूं लैके चलते हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा इज़ मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड क्योर ऑफ डिजीज थ्रू मेडिसन और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेटेड लाइफस्टाइल। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन मतलब केड़ी चीज़ आपां खानी है, केड़ी चीज़ नहीं खानी, वो सारिया चीज़ा नोट करनिया, एंड उस तो बाद जो ड्रग्स मिलते हैं प्लांट्स तो रॉ फॉर्म के भी वो यूज़ करते सी आयुर्वेदा के। सो द बेसिक प्रिंसीपल ऑफ आयुर्वेदा इनवॉल्व टू थ्यूरीज, वन इज दो थ्यूरीज से बेस्ड हैगा, दो थ्यूरीज है पंचम महाभूता थ्यूरी एंड त्रायदोषा थ्यूरी, दो थ्यूरीज से बेस्ड हैगा आयुर्वेदिक सिस्टम। सानू पता आयुर्वेदिक ज़्यादा उहदे विच सीगा अपना, संस्कृत दे विच इहदा ज़्यादा मतलब मिलता हैगा सानू आयुर्वेदिक जिहड़ी। सो दो इहदे विच थ्यूरीज हैगियां, एक हैगी पंचम भूता एंड सैकेंड इज़ त्रायदोषा। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक फिलोसफी ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स आर मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलीमेंट्स इन वेरियस प्रमोशन प्रपोर्शनस। किहड़े फाइव बेसिक एलीमेंट्स आ साडे, जिदा मतलब पृथ्वी, जल, तेजा, वायु और आकाश, मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। ये सारिया चीज़ा मिलके एक मतलब सानू पता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिहड़ियां हैगियां इहदे तों बनिया हुई। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये पांच चीज़ा साडियां प्रॉपर प्रपोर्शन दे विच हैगियां तां आपां मतलब हैल्दी हैं। इफ जे प्रपोर्शन सही नहीं हैगी, घट वध हैगी है, तो उस केस दे विच कोई ना कोई डिजीज़ होएगी परसन नूं, आयुर्वेदिक दे अकॉर्डिंगली ये आपां मान के चलते हैं। सो किहड़ियां पांच चीज़ा हैगियां, पृथ्वी, जल, फायर, एयर एंड ईथर। सो अगर मैं तुहानू दस्सदा कि अगर ये सारिया इन्हां पंजां चीज़ां नूं बोलदे आ पंचम भूताज, ठीक है। सो
पंच महाभूतस बोलते हैं पंजा चीज़ों अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक ऑल द फिजोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी इज गवर्नड बाय थ्री बायोलॉजिकल यूनिट्स। एक तो पांच चीज़ों तो साड़ी बॉडी बनी है, उस तो बाद जिहड़ियां तीन चीज़ा है फिजोलॉजिकली जिहड़ा वर्क है साड़ी बॉडी का वो तीन चीज़ों तो हुंदा है। केड़ियां केड़ियां है उन्हों आप आयुर्वेद के विच बोलते हैं दोषाज। दोषाज केड़ी है? वाता जिहड़ी एयर हो गई, ठीक है, पिता बाइल, कफा मतलब फ्लैजम। सो वाता पिता और कफा जिहड़ा हैगा वो करके आयुर्वेदिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ये तीन चीज़ा है जिदे साड़ी बॉडी के फिजोलॉजिकल फंक्शन चलते। वो कि है बत्ता आप बोलते हैं एयर, पिता बोलते हैं वायल, तो कफ जी है फ्लैजम। सो बत्ता की है ट्रांसमिट सेंस इंप्रैशन ऑफ द माइंड एंड रिस्पोंस टू वेरियस प्लेसिज ऑफ द बॉडी। मतलब एयर जी सा बॉडी के सर्कूलेट करती है, बेसिकली ऑक्सीजन सर्कूलेट करती है, वनू ये चीज़ बोलते हैं मेनटेन की बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग मेनटेन करके रखती है, तो वेरियस कॉन्सीजेंट मेनटेन करती। सूँ पता है कि जोड़ा सा ब्लड ऑक्सीजन होनी बहुत जरूरी है, अगर ऑक्सीजन घट जाती है तो साड़ी बॉडी या साड़ा ब्रेन जोड़ा फंक्शन करना बंद कर देता। सो आयुर्वेदा के बोलते हैं वाता। सो द सेंसरी ऑर्गन ऑफ टच एंड साउंड डिपेंड अपॉन वाता, इट सिमुलेट अग्नि एंड प्रोड्यूस जॉय। उस तो बाद है पिता, पिता जी है बाइल जिन्होंने बोलते हैं रिस्पोंसिबल फॉर ऑल डायजेस्टिव एंड मैटाबोलिक एक्टिविटीज़। जिन्हें भी डायजेस्टिव तो मैटाबोलिक एक्टिविटीज़ होंगे वो पिता करके होंगे। उस तो बाद कफा फ्लैजम प्रोवाइड स्टैटिक एनर्जी फॉर होल्डिंग बॉडी टिश्यू टूगैदर, इट ऑलसो प्रोवाइड लुब्रीकेंट्स एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन। सो ये तीन चीज़ा जीडिया साडा फिजोलॉजिकल वर्क के हेल्प कर दिया। इन्हों आप बोलते हैं महाभूतास, और जड़ी पांच चीज़ों तो बॉडी बनी सी उन्होंने बोलते हैं पंचम महाभूतास। सो वैन दीज जड़िया तीनों चीज़ा है जड़िया फिजोलॉजिकल फंक्शन मेनटेन कर दी, इन्हों आप बोलते हैं दोषास, ठीक है। वैन थ्री दीज दोषास आर नॉर्मल स्टेट दैन फंक्शन ऑफ द बॉडी इज़ नॉर्मल एंड हैल्थ, आप हैल्दी बोलते हैं परसन। अगर इन्हों कोई इक्लिब्रियम नहीं है, गड़बड़ा है, तो उस केस के कोई ना कोई प्रॉब्लम होंगी है बॉडी के। सो इन चीज़ों लैके ये जो दो टाइप दीज़ा सगिया इन बेसिस के उपर आयुर्वेदिक जोड़े ग्रंथ बने हुए थे, इन्हों के बेसिस से ही डिजीज़ में क्योर करने के लिए आप चीज़ा यूज़ करनी, जिदा कोई स्किन दिया ट्रीटमेंट के लिए वो लेप वगैरह ज़्यादा लगाते सके, है ना, अलग अलग प्लांट्स नू करके उन्होंने पीस के ग्राइंड करके फिर वह लेप जहा बना के लाते सके। जे फिर कोई रॉ मटीरियल देंदे सके खाने लिए भी, जिदा मतलब जोड़े फल फ्रूट ईवन है जोड़े उन्होंने एज सच ही देंदे सके रॉ, उन्होंने कि ये हैल्थ मेनटेन होएगी, डायटरी सप्लीमेंट वगैरह मिल जाता सो। क्लीयर हो रहा बच्चे? यस मैम। सो नैक्सट जोड़ा है आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा आप क्लासीफाई किया हो किनिया ब्रांचिज बनिया होंगे? 8 ब्रांचिज, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचिज कर दिता उन्हों। जिदा फस्ट हैगी काया चिकित्सा, जिदा इंटरनल मेडिसन जिहड़ी मतलब साड़ी बॉडी दे नाल रिलेटिड हैगी है। दूसरी हैगी शल्य तंत्रा जिहड़ी सर्जरी नाल रिलेटिड हैगी है। उस तो बाद शल्य काया तंत्रा ऑटो रिनिंग्रोलॉजी, ये हुंदा एयर नोज ते थ्रॉट वगैरह दी इन्फेक्शन, ई एन टी डॉक्टर जिहड़े हुंदे आ वो इस बेसिस ते आ शल्य काया तंत्रा दे नाल। दैन कुमार भारतीया पेडियाट्रिक्स, जिहड़े बच्चों की डिजीज़ हुंदी है, रसायना रीजुविनेटिंग थेरेपी। उस तो बाद नैक्सट हैगी है साड़ी वजीकरना एफोडियासिक थेरेपी, जिहड़ी अपनी सैक्स रिलेटिड प्रॉब्लम्स आ कुछ भी उन्होंने ट्रीट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। उस तो बाद टॉक्सीकोलॉजी आ गई जिन्होंने आप बोलते हैं एगाडा तंत्रा, एंड भूत विद्या जिहड़ी साइकोलॉजी हुंदी है, साइकैट्रिक वगैरह जिहड़े डॉक्टर हुंदे आ उन्होंने नाल जिहड़ी रिलेटेड होंगी है। सो आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंगली इन्हों 8 डिफरेंट डिफरेंट नाम दिते हुए हैं। सो तुसीं देख लिया कि है काया चिकित्सा, शल्य तंत्रा, शलकाया तंत्रा। सो ये अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर देने। तो अजकल आप डिफरेंट डिफरेंट नाम दिते हुए अपनी लैंग्वेज संस्कृत नाम के अकॉर्डिंगली इन्होंने नाम दिते हुए हैं। सो रिमेनिंग ब्रांचिज जिहड़ियां हैगियां इस तो अलावा ब्रांचिज आर डील्स विद डिजीज़, तो इस मतलब जिन्हें भी है अलग अलग डिवाइड करके जो बाकी कुछ भी बचता है उन्होंने आप
ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਚਮ ਮਹਾਭੂਤਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਏਟ ਟਾਈਮਸ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਾਕੋਗਨੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੂਡੇ ਫਾਰਮਾਕੋਗਨੋਸੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਨੈਕਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਬਿਟਵੀਨ 200 BC ਐਂਡ AD 100 ਫਰੋਮ ਦ ਯੈਲੋ ਇੰਪੇਰਰ, ਦ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸਿਕ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਹੋਂਗ ਡੀ ਨਈ ਜੰਗ, ਐਂਡ ਦ ਟੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡਿਟੇਲਡ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਵੇ ਆਫ ਆਲ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟਿਡ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਲੋਸ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਲੋਂਗਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਯਿਨ ਐਂਡ ਜੈਂਗ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਯਿਨ ਐਂਡ ਜੈਂਗ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਜ਼ਿਨ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਨ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਜ਼ਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਜ਼ਿਨ ਐਂਡ ਜ਼ੈਂਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਰਦਰ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਸੋ ਦੈਟ ਫਰੰਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਜ਼ਿਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਬੈਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜ਼ੈਂਗ, ਐਬਡੋਮਨ ਇਜ਼ ਜ਼ਿਨ ਐਂਡ ਚੈਸਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੈਂਗ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦਾ ਫਾਈਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੋਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਆਫ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਵੁੱਡ ਫਾਇਰ ਅਰਥ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਵੁੱਡ ਫਾਇਰ ਅਰਥ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦੀ ਪਰਪਿਊਚੁਅਲ ਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਫਾਈਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਵ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਇਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਇਨ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਟੇਸਟ ਆਫ ਹਰਬਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਨ ਜ਼ੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਬਸ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਲਨੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀਕਨੈਸ ਆ, ਇਲਨੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਜ਼ਿਨ ਐਂਡ ਜ਼ੈਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਨ ਐਂਡ ਜ਼ੈਂਗ 'ਤੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਹਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦਾ ਹੈਲਥ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਆਈਦਰ ਜ਼ਿਨ ਐਂਡ ਜ਼ੈਂਗ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੋਲਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਦੀ ਹਾਰਟ, ਕੋਲਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਐਜ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਵਾਇਰਸ, ਬਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਦੈਟ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਡੈਪਟਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਸੱਚ ਐਜ ਵਿੰਡ, ਹਾਰਟ ਵਿੰਡ, ਕੋਲਡ ਵਿੰਡ, ਹੀਟ ਐਕਸਟਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਨ ਜ਼ੈਂਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਨ ਜ਼ੈਂਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀ ਆ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਇਨ ਜਪਾਨ ਐਂਡ ਕੋਰੀਆ। ਦੀਸ ਬੋਥ ਜਪਾਨ ਐਂਡ ਕੋਰੀਆ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਕੰਪੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨ ਬੈਕ ਟੂ 5th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੈਨ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੋਂਗਸ ਐਂਡ ਕੋਰੀਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦੇਅਰ ਹੀਲਿੰਗ ਆਰਟ ਲਾਰਜਲੀ ਡਰਾਈਵ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਇਨ ਟੂ ਜਪਾਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਕੰਪੂ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਫੋਰ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਮੋਂਗਸ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਫੋਰ 1000 ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕੰਪੋ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਟੋਟ ਐਟ ਟੋਇਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਕੋਰੀਅਨ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ। ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਈਵਨ ਟੂਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਔਨ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਫੁੱਟਿੰਗ ਵਿਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੈਸਟਰਨ ਮੈਡੀਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਲੋਪੈਥੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਨਜ਼ੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੀ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੋਰ ਦੀ ਕਿਉਰ ਆਫ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਫੋਰ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਬੀਂਗ, ਹੈਲਥ, ਹਾਰਮਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਐਂਡ ਚਾਈਨੀਜ਼? ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਨੈਕਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੈਡੀਸਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਨੀਆ ਮੈਡੀਸਨ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਅਰੇਬ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਰੀਜਿਨੇਟਿਡ ਇਨ ਗ੍ਰੀਸ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਅਫਰੀਕਨ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਅਗਿਪਟੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਦੀ ਅਰੇਬਸ ਅਰਾਊਂਡ 10th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿਦ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਯੂਨਾਨੀਪੈਥੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ ਇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ। ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਮੇਡ ਅ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ 2 ਥਿਊਰੀਜ਼, ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆਫ 4 ਹਿਊਮਰਸ ਐਂਡ ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ 4 ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ। 4 ਹਿਊਮਰਸ ਔਰ ਫਲੂਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵਿਚ ਐਗਜਿਸਟਿਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਰ ਡੈਮ, ਬਲਗਮ, ਸਫਰਾ ਐਂਡ ਬਾਇਲ, ਬਲੱਡ, ਫਲੈਜ਼ਮ, ਯੈਲੋ ਬਾਇਲ ਐਂਡ ਸੋਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਬਾਇਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਲੱਡ, ਫਲੈਜ਼ਮ, ਯੈਲੋ ਬਾਇਲ ਔਰ ਬਲੈਕ ਬਾਇਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ
हिपोक्रेटिक थ्योरी जिहदे की आ फोर ह्यूमर्स हैगे आ वो किहड़े किहड़े हैगे अपने जिहड़े फ्लूइड हैगे बॉडी दे विच ब्लड फ्लैजम बाइल बाइल दो हैगे एक जैलो बाइल और दूसरा हैगा ब्लैक सो ईच ह्यूमर हैज़ इट्स ओन टेम्परामेंट लाइक ब्लड इज हॉट एंड मॉइस्ट फ्लैजम इज कोल्ड एंड मॉइस्ट येलो बाइल इज हॉट एंड ड्राई एंड ब्लैक बाइल इज कोल्ड एंड ड्राई ये चारों जिहड़े हैगे आ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लूइड हैगे आ साडी बॉडी दे विच प्रेजेंट सो अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम इन्हों दे अलग अलग नाम दिते हुए आ सो हुण तुसीं आप ही देखो कि यह सारिया चीज़ा आपां अजकल दीआं मैडिसन दे विच एलोपैथी मैडिसन दे विच भी असीं यही चीज़ा पढ़ते हैगे आ चाहे उन्हों अलग अलग लैंग्एज आयुर्वेदा सिस्टम दे विच कुछ होर नाम दिता होया यूनानी कुछ होर चाइनीज होर पर यह सारिया चीज़ा दे बेस ते ही अपनिया जिहड़ियां अजकल दा फार्माकोग्नोसी हैगी आ या अजकल दीआं जिहड़ियां मैडिसन आ वो बेस्ड हैगीआं सो इन दिस वे ऑल दीज सिस्टम आर कंसर्नड विद टूडेज मैडिसन सिस्टम सो फोर जिहड़े ह्यूमर्स हैगे उहनां मैं दस दित्ते किहड़े किहड़े आ उहनां सारिआं दी अलग अलग टाइप की उदा मतलब नेचर हैगी है सारियां दी हॉट कोल्ड ड्राई मॉइस्ट इदा करके सो दे आर रिप्रजेंटेड एज अर्थ वाटर एयर एंड फायर सो अकॉर्डिंग टू यूनानी इफ द फोर मेन ह्यूमर्स एंड फोर प्रोक्सीमेट क्वालिटीज आर इन स्टेट ऑफ म्यूचुअल इक्विलिब्रियम दैन द पर्सन विल बी हेल्दी अदरवाइज अनहेल्दी सो दिस सिस्टम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबियन फिजिशियन अरेबियन सिस्टम तो भी डिपेंड फिजिशियन जिहड़े हैगे उत्थे दे उत्तों इन्फ्लुएंस हैगा ये भी सो दे लेड डाउन सैवन वर्किंग प्रिंसीपल कि है एक तो उमर इताबिया ताबिया एंड इनकलूडेड एलीमेंट्स लाइक ऑर्गन स्पिरिट्स टैंपरामेंट जिहड़ी नेचर किदां दी है लाइफ एनर्जी एक्शन एंड ह्यूमरस ये सत्त चीज़ों तो मतलब जिहड़ी हैगी है यूनानी सिस्टम बनया होया So according to them, these seven principles are responsible for health and disease. So, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਔਰਗਨ ਸਪਿਰਿਟ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਿਊਮਰਸ ਸੈਵਨ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਉਮਰੀ ਤਾਇਬੀਆ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸੋ ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਕੋਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇਟ ਸਿਮਟਮ सिमटम नूं खत्म नहीं करता उहदा कॉज़ नूं रूट कॉज़ की आ उहनूं खत्म करन दी कोशिश करता यूनानी सिस्टम सो द थोरो हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इज़ नोटेड एंड इज़ सबजैक्टेड फॉर पल्स स्टूल एंड यूरिन एग्जामीनेशन दिस सिस्टम ऑब्जर्व द इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग एंड इकोलॉजिकल कंडीशन सच एज एयर फूड ड्रिंक बॉडी मूवमेंट रिपोज साइकिक मूवमेंट एंड रिपोज स्लीप एंड वेकफुलनेस एक्सक्रीशन एंड रिटेंशन ऑफ द ऑन दी स्टेट ऑफ हैल्थ सो जिदा साडा अजकल होम्योपैथी सिस्टम आ वह भी तुसी देखिया वा कि जिदा कॉमन प्रैक्टिस दे विच हैगा उहदे विच भी डॉक्टर्स की है हिस्ट्री नोट करदे आ मतलब पेशेंट की पूरी हिस्ट्री उहदा पूरा रैकर्ड नोट कर लैंदे आ की हैगा कि एरिया 'च रहिंदा हैगा या इहदे आसे पासे नेबर किदां दे या फिर जिहड़े इहदी कोई प्रीवियस हिस्ट्री तां नहीं आ या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तां नहीं आ इन द सेम वे जिहड़ा यूनानी सिस्टम आ वह भी ये चीज़ा नोट करदा हैगा है हिस्ट्री पेशेंट की पूरी लेंदा हैगा सो इन दिस सिस्टम डिजीज आर ट्रीटेड इन एट एज फॉलोज किदा डिजीज नू ट्रीट करते हैं पहली हैगी है रेजिमेंटल थेरेपी हस्बल टैडबीर जिन्हों यूनानी लैंग्वेज बोलते हैं उदा कहते हैं रेजिमेंटल थेरेपी इट इनक्लूड विनसैक्शन डायाफ्रोसिस डायूरेसिस तुर्किश बाथ मसाज पुरगिंग अमेसिस एंड एक्सरसाइज ये सारिया चीज़ों पर बेस्ड होंगे आ साडा जिहड़ी हैगी है रेजिमेंटल थेरेपी सैकेंड हैगी है डाइटोथरैपी जिहड़ी डाइट दे नाल रिलेटेड हैगी है जिदा इट डील्स विद डील टू ट्रीट सर्टन एलमेंट्स बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक डाइट्स और बाय रेगुलेटिंग द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ फूड थर्ड हैगी आ फार्माकोथरैपी विच डील्स विद द यूज़ ऑफ नैचुरली अकरिंग ड्रग्स मोस्टली हर्बल ड्रग्स मे बी इन कॉम्बीनेशन और इन सिंगल सो जिहड़ी पहली सीगी तुहाडी
हसबिल टैडबीर और सी एक्सरसाइज वगैरह होर इदा दीज़ा डाइटोरेसिस इदा दीज़ा सारिया यूज़ करके करते। सैकेंड जी हैगी डाइटोथरैपी डाइट के नाल रिलेटिड हैगी है हैज़बिल गिज़ा। थर्ड हैगी हसबिल दवा जी ड्रग्स के नाल रिलेटिड हैगी है। ठीक है, ये सारिया इस सारे बेसिस से यूनानी सिस्टम जोड़ा है वर्क करता है। सो सत चीज़ा देखता है, सत चीज़ों मेनटेन रखता है, उस तो बाद ट्रीटमेंट लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ा अडोप्ट करता और हिस्टरी नाल कोरिलेट करता जी भी ड्रग यूज़ करता रूट कॉज न ट्रीट करते हैं एज कंपेयर टू जोड़े सिमटम्स आ। सो द ट्रेडिशनल हीलर्स हू प्रैक्टिस द यूनानी सिस्टम इज कॉल्ड हकीम। सो हकीम नॉट ओनली क्योर बॉडीली डिजीज बट ऑल्सो एक्ट एज एथिकल इंस्ट्रक्टर। सो डिजीज़ नू क्योर करता केड़ी केड़ियाँ डिजीज़ क्योर करता सीगा ये मार्केबला मतलब जिसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट सीगे आर्थराइटस ल्यूकोडर्मा जिहड़ी स्किन दी डिजीज़ होंदी है जॉन्डिस पीलिया हो जाता ब्रोंकियल एस्थमा फिलरेसिस एंड अदर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ वेयर अदर सिमटम्स डू नॉट गिव दी डिजायर्ड लैवल ऑफ पॉजिटिव रिस्पोंस। सो इस चीज़ों ये क्योर करने के बहुत बैटर मनी गई है यूनानी सिस्टम और बेसिस की हैगा वा कि रूट कॉज नू ख़त्म करता है और आयुर्वेदा दे नाल मिलता जुलता दा ट्रीटमेंट रॉ मटीरियल ड्रग्स का यूज करके ट्रीट करता है। दो मिनट लिए देख लो टॉपिक, जे कुछ प्रॉब्लम है ये दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ जी।